खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज, मैं प्रीति दया। तो चलिए बिना देर किए करते हैं खबरों की शुरुआत। हर साल की तरह इस बार भी देश के जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंच गए हैं। सीमावर्ती इलाके लेपचा में पीएम नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेपचा पहुंच गया हो। इस दौरान पीएम मोदी सेना की जैकेट और टोपी पहने नजर आए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक नवयुगा कंपनी की निर्माणाधीन टनल का 50 मीटर हिस्सा धस गया। करीब 36 मजदूर टनल के अंदर फंस गए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर हम के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। जहानाबाद गोलीकांड पर नीतीश सरकार को घेरते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, मुझे जितनी गालियां देनी हो दे दीजिए, लेकिन बिहारियों पर रहम कीजिए, बिहार को महाजंगल राज से मुक्त कीजिए। राजधानी पटना के गंगा के 28 घाटों पर छठ की उत्तम व्यवस्था कर दी गई है। शेष अन्य घाटों पर काम तेजी से चल रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने अधिकारियों के साथ इन 28 घाटों का जायजा लिया। जिन घाटों पर व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी, उन्होंने मौके पर ही नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है। इधर बीपीएससी से हाल ही में चयनित शिक्षकों को अपर मुख्य सचिव के पाठक के शिक्षा विभाग ने कड़ी चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि नए टीचर किसी भी तरह का शिक्षक संघ या मंच न बनाए, अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि शिक्षक संघों की ओर से पूर्व में ACS के पाठक के आदेशों का विरोध किया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक संघों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की थी। चौथे कृषि रोड मैप के तहत दूसरे फेज में 2026 तक राज्य के 4.80 लाख नए किसानों को निःशुल्क कृषि बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इस पर 2,190 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकार के स्तर पर इस राशि की मंजूरी मिलने के बाद वर्तमान वित्तीय वर्ष में दोनों बिजली आपूर्ति कंपनियों को 195 करोड़ रुपए का आवंटन भी उपलब्ध करा दिया गया है। बिहार के पुलिस कर्मियों को नवंबर महीने में एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। बिहार पुलिस के सभी कर्मियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द कर दी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया। दिल्ली एवं छठ पूजा महापर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते राजधानी पटना में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन है, लेकिन राजधानी पटना में खुलेआम बाजार में पटाखों की बिक्री हुई। बाजार में पटाखा खरीदने वालों की काफी भीड़ रही, यहां तक कि थाने के सामने मुख्य बाजार में खुलेआम पटाखे बिकते रहे। पटाखों की बिक्री नहीं हो इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 5 टीमें भी गठित की गई है, लेकिन इसका कोई असर नजर नहीं आया। अब खबर झारखंड की। पीएम मोदी 15 नवंबर को खूंटी जिले में आदिवासी लोकनायक की जन्मस्थली उलिहातु जाएंगे। इसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस भी है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस बीच दो आदिवासी कार्यकर्ताओं ने उनकी मांग पूरी न होने पर आत्मदाह की धमकी दी है। वहीं आदिवासी सेंगेल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि कार्यकर्ता मांग के समर्थन में उस दिन झारखंड और अन्य राज्यों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपवास रखेंगे। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ईडी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बिना विलंब किए विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की है।
मरांडी ने चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब राज्य का मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर आम जनता से कानून पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 1-2 नहीं 5 समन भेजा है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार उसकी अवहेलना कर रहे। अब खबर खेल जगत की। वर्ल्ड कप 2023 में आज भारत के सामने नीदरलैंड्स की चुनौती है। मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ये ग्रुप स्टेज पर दोनों ही टीमों का आखिरी मैच है। भारत ने अब तक खेले अपने 8 मैच जीते हैं और आज उसकी कोशिश अपने जीत के फिगर को 9-0 करने की होगी। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में मौसम प्रायः शुष्क बना हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर के चलते लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि सबसे गर्म खगड़िया रहा। यहां अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं सुबह के समय हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ।